दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शनिवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। यह स्टेडियम के गेट नंबर 2 के एंट्री गेट पर एक पंडाल गिर गया। इस हादसे में कम से कम 8 लोग घायल हुए हैं, वहीं कई लोगों के दबने की आशंका है, जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं पंडाल का मलबा हटाने के लिए क्रेन भी बुलाई गई है। दक्षिण दिल्ली के DCP ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के गेट नंबर 2 के पास लॉन में काम चल रहा था, जिसका एक हिस्सा शनिवार दोपहर ढह गया। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंच गई है। इस हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम जारी है। दिल्ली के अग्निशमन विभाग ने एक बयान जारी कर बताया कि उन्हें फोन पर JLN स्टेडियम में एक अस्थायी संरचना ढहने की सूचना मिली। घटनास्थल से 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, अन्य विवरणों का इंतजार किया जा रहा है। वहीं इस हादसे के चश्मदीद एक शख्स ने बताया कि वह JLN स्टेडियम में बतौर गार्ड का काम करते हैं, वहां पंडाल लगाने का काम चल रहा था। इस दौरान वहां कुछ मजदूर खाना खा रहे थे, तो तभी अचानक से पंडाल गिर गया और वे सभी उसके नीचे दब गए। महाराष्ट्र TV 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर।